कल हमने स्टोरी के मीनिंग लिखे थे। स्टोरी थी द वुल्फ एंड ए लैम, एक भेड़िया और एक मेमना। मीनिंग कल लिख लिए हमने, मीनिंग आपने याद भी कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो मीनिंग आपको याद करने हैं। मीनिंग याद होगा तो आप लाइन आराम से पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो, उच्चारण भी कर सकते हो। लाइन टू शुरू करते हैं। लाइन टू लाइन, फर्स्ट लाइन, वंस ए लैम, वंस ए लैम, एक बार एक मेमना वाज ड्रिंकिंग, मतलब पी रहा था वाटर मने पानी, एट ए रिवर बैंक, रिवर मने नदी, बैंक मने उसका किनारा। एक बार एक मेमना जो है एक नदी के किनारे, एट ए रिवर बैंक, नदी के किनारे पानी पी रहा था। वंस ए लैम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक। लाइन याद रखना ना, वंस ए लैम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर बैंक। ए वुल्फ केम देयर, एक भेड़िया वहाँ आया। ए वुल्फ मने भेड़िया, केम मने आया, देर मने वहाँ। एक भेड़िया वहाँ आया जहाँ पर वो नदी के किनारे मेमना पानी पी रहा था, वहाँ पर कौन आया? ए वुल्फ केम देयर, एक भेड़िया आया। ही सेड टू द लैम, उस भेड़िए ने मेमने से कहा, सेड मने कहा, लैम ने मेमना, वाई आर यू, क्यों तुम, मेकिंग माई वाटर, मेरे पानी को डर्टी मने गंदा। तो जब भेड़िया वहाँ आया उसने मेमने से कहा कि तुम क्यों मेरा पानी, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो। तो वंस ए लैम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर, ए वुल्फ केम देयर, ही सेड टू लैम वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, यानी वुल्फ ने भेड़िए मेमने से कहा कि तुम मेरा पानी गंदा क्यों कर रहे हो। द लैम रिप्लाइड, मेमने ने जवाब दिया, रिप्लाइड मैंने जवाब देना, दैट द वाटर वाज फ्लोइंग, पानी बह रहा है, फ्लोइंग मैंने बहना, फ्रॉम योर साइड टू माई साइड। तो मेमने ने उसको जवाब दिया कि पानी तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ और की ओर आ रहा है, तो मैं कैसे उसको गंदा कर सकती हूँ। तो जब वुल्फ ने जब उसे कहा कि वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो, तो लैम जो था उसने रिप्लाइड किया दैट द वाटर वाज फ्लोइंग फ्रॉम योर साइड टू माई साइड, कि पानी का जो बहाव है वो तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं पानी कैसे गंदा कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। द वुल्फ वांटेड टू किल, भेड़िया चाहता क्या था, वांटेड मैंने चाहना, टू किल मुझे मारना, एंड एट देम लैम, मेमने को मारना और खाना चाहता था, इसलिए वो ऐसे ही प्रश्न उसको पूछ रहा था। द वुल्फ फर्दर सेड, कुछ समय बाद भेड़िए ने फिर उसे कहा, वाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर, एब्यूज मैंने गाली देना, तुमने मुझे पिछले साल, लास्ट ईयर मैंने कौन सा, पिछले साल गाली क्यों दी थी। फिर एक प्रश्न व्यक्त किया, उसने उसका जवाब दे दिया। फिर दूसरा प्रश्न कुछ देर बाद उसने पूछा भेड़िए ने मेमने से कि तुमने, वाई डिड यू एब्यूज मी लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल मेरे को एब्यूज क्यों किया, मतलब गाली गलौज क्यों की, गाली क्यों दी। द रैम लैम रिप्लाइड, लैम ने फिर जवाब दिया दैट ही वॉज नॉट बॉर्न द प्रीवियस ईयर, कि उसका तो जन्म ही पिछले साल नहीं हुआ, तो मैं कैसे गाली दे सकता हूँ। उसका कहने का अर्थ ये था कि ही वॉज नॉट बॉर्न द प्रीवियस ईयर, पिछले साल मेरा जन्म ही नहीं हुआ, तो मैं पिछले साल तुम्हें कैसे गाली दे सकती हूँ। देन द वुल्फ सेड, तब वुल्फ ने कहा, इट मस्ट बी योर फादर, तो निश्चित ही है वो तुम्हारा पिता होगा, तुम तो जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा पिता होगा। विथ दिस, यह कहकर, ही किल द लैम, उसने मेमने को मार दिया, एंड एट इट, और उसको क्या कर लिया, खा लिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं लाइन टू लाइन। वंस ए लैम वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए रिवर, एक बार एक मेमना था वाज ड्रिंकिंग मने पी रहा था वाटर मने पानी एट ए रिवर बैंक, रिवर मने नदी और बैंक मने नदी का किनारा। एक बार एक मेमना जो था नदी के किनारे पर पानी पी रहा था। ए वुल्फ केम देयर, जब वह पानी पी रहा था तो वुल्फ मने भेड़िया, केम मने आया, देर मने वहाँ, एक भेड़िया वहाँ आया। ही सेड टू लैम, उसने मेमने से कहा भेड़िए ने, वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, प्रश्न किया उसने उसे कि वाई मने क्यों, आर यू तुम मेकिंग माई वाटर कर रहे हो, मेरे पानी को डर्टी मने
गंदा, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? ऐसा प्रश्न भेड़िए ने मेमने से पूछा कि वाई आर यू मेकिंग माई वाटर डर्टी, तुम मेरे पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? तो ये बात पूछी किसे थी? मेमने से। तो द लैम रिप्लाइड, लैम ने जवाब दिया दैट द वाटर वाज, कि पानी जो था फ्लोइंग मैंने बह रहा था फ्रॉम योर साइड, तुम्हारी साइड से मेरी तरफ, कि पानी जो है तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ बह रहा है, तो तुम पानी को गंदा कर रहे हो, मैं कैसे गंदा करूँगा। द वुल्फ चाहता क्या था? द वुल्फ वांटेड टू किल, चाहता था उसको मारना, एंड ईट द लैम, मेमने को मारना और उसको खाना चाहता था, इसीलिए वो उससे प्रसन्न कर बातों में फंसा रहा था। द वुल्फ फर्दर कुछ समय बाद सेड, वाई डिड यू, तुमने क्यों एब्यूज मी लास्ट ईयर, पिछले साल मुझे क्यों गाली दी? एब्यूज मैंने क्या होता है, गाली देना। द लैम रिप्लाइड, लैम ने फिर जवाब दिया, मेमने ने जवाब दे रहा दैट ही वॉज नॉट बॉर्न, कि उसका जन्म नहीं हुआ था, बॉर्न मैंने जन्म होना, द प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल तो उसका जन्म नहीं हुआ था, उसने ये बात कही। देन द वुल्फ सेड, वुल्फ ने फिर उसको एक कहा कि इट मस्ट बी योर फादर, ये इसने कहा कि निश्चित है कि तुम नहीं थे, तो उसने कह दिया ना कि पिछले साल तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ था, मैं गाली कैसे दूंगे, तो उसने कहा इट मस्ट बी योर फादर, निश्चित है कि वो तुम्हारे कौन होंगे, पिताजी होंगे जिसने मुझे क्या दी थी, गाली दी थी। ऐसा कहकर विथ दिस ही किल्ड द लैम, उसने लैम को क्या कर दिया, मार दिया, एंड एट इट, और उसको क्या कर लिया, खा लिया। तो ये ध्यान रखें कि लाइनों को कैसे लिखना है और कैसे याद करना है, कैसे उच्चारण करना है, इन पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अच्छी तरह लाइनों को लिखकर मीनिंग पढ़कर लिखेंगे लाइन टू लाइन और याद करेंगे तो आसानी से आपकी स्टोरी आपको 10 नंबर दिला सकती है, अगर आप याद करो तो। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, यहाँ ही के स्थान पर इट का प्रयोग या लैम वुल्फ का प्रयोग कर दें, यहाँ पर भी ही के स्थान पर इट का प्रयोग कर दें, उचित है इट का प्रयोग करना, या द वुल्फ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ही का प्रयोग यहाँ नहीं करें। इट किल्ड द लैम एंड एट इट, ठीक है ना, इट सेड टू द लैम, इट किसके लिए आया है, यहाँ पर वुल्फ के लिए आया है, भेड़िए के लिए आया है, और पक्षियों और जानवरों के लिए जहाँ ही लगाते हैं वहाँ उचित रूप से किसका प्रयोग कर दिया जाए, इट का प्रयोग किया जाए, वो सही रहता है। तो ये आपको याद करना है और लिखना है। धन्यवाद।